हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिता प्रसाद है। आज मैं आपको बैंगन और पालक की सब्जी अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हूँ इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले हम लोग बैंगन लेंगे कटे हुए, थोड़े से पालक लेंगे, आइए इधर देखते हैं, जिंजर के पेस्ट, कटे हुए ओनियन, गार्लिक के पेस्ट, धनिया पत्ते और कटे हुए टमाटर, आइए सूखे मसालों में देखते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पाँचफोरन और फ्रेश ग्रीन चिली एंड रेड चिली, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट और बनाने के लिए ऑयल। आइए अब बनाते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारा पैन गरम हो जाएगा, इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल हम लोग डाल देंगे और पाँचफोरन को डालेंगे, क्रैकल आने देंगे। उसके बाद ग्रीन चिली और रेड चिली को तोड़कर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद कटे हुए ऑनियन को डालकर हम लोग गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ऑनियन अब फ्राई हो चुका है। अब इसके टेम्परेचर को बिल्कुल कम करेंगे और हम लोग मसाले अब डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, बीच बीच में इसे चलाते भी रहें, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लहसुन के पेस्ट करीब 1 चम्मच है, जिंजर के पेस्ट 1 चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, आधा से भी थोड़ी कम लेंगे हम लोग। इन सब को 2 से 4 बार भूनने के बाद हम लोग इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसे भी थोड़ा देर 2-4 मिनट नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हमारा टमाटर और मसाला सारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग कटे हुए बैंगन को डालेंगे और उसे भी 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे तेज टेम्परेचर में। अब उसके बाद हम लोग पालक को डाल देंगे। इसे 2 से 4 बार चलाने के बाद हम लोग इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे। लो मीडियम टेम्परेचर पर मैंने रखा है और इसे ढककर नरम होने तक हम लोग इसे पकने देंगे। बीच बीच में से चलाते भी रहें। देखिए हमारी सब्जी अब रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम लोग थोड़े से धनिया पत्ता को स्प्रिंकल करेंगे और 1 से 2 बार
चलाने के बाद इसे ऑफ कर देंगे। आइए अब निकालते हैं। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, घर के सभी सदस्यों को जरूर पसंद आएगा। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर धनिया पत्ते को भी छिड़क दिया है। देखिए कितना आसान था बैंगन और पालक की सब्जी को बनाना। मेरी बताई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।